डियर स्टूडेंट्स, आज आपको जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है इकैनोडर्माटा का। और ये जो इकैनोडर्माटा फाइलम है इसमें आपको क्लास भी नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इकैनोडर्माटा का कैरेक्टर पढ़ना है। इसके क्लास उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनके जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच। ऐसे जो कंप्लीट रूप से ऑथराइज रूप से जो कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है वो हेमी कॉर्डेटा को बोला जाता है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच। बट इकैनोडर्माटा, इकिनो वर्ड का मतलब जो है वो है एस्पिनी, ठीक है। इकिनो का मतलब होता है एस्पिनी और डर्माटा का मतलब होता है स्किन, स्पाइनी स्किन है इसका, ठीक है। लगेगा कि हाँ ये पूरा का पूरा एक लेदर टाइप का, जो आप लेदर वाला जैकेट पहनते हैं ना, उस तरह लगेगा कि इकैनोडर्माटा का पूरा का पूरा बॉडी एक जैकेट ओढ़े हुए है, स्किन का एक जैकेट बना के पहने हुए है, इसलिए इसको बोलते हैं इकैनोडर्माटा। डर्मा, डर्मा मतलब क्या होता है, डर्माटा मतलब स्किन। ये इसकी विशेषता देखिए, एक भी मेंबर इसका ऐसा नहीं है जो फ्रेश वाटर में होता हो, एक भी मेंबर इसका ऐसा नहीं है जो अर्थ पे पाया जाता हो, यह है एक्सक्लूसिवली मैराइन। सारे के सारे एनिमल इसके कहां पे होते हैं, मैराइन वाटर में होते हैं, सारे के सारे मेंबर इसके मैराइन वाटर में होते हैं, ठीक है। कोई भी इसका जो मेंबर है वो मतलब किसी बॉडी के अंदर, यानी कि एज ए पैरासाइट भी इसका कोई मेंबर नहीं है, सारे के सारे फ्री लिविंग है, सारे समुद्र में घूमते हैं, ठीक है, सारे समुद्र में रहते हैं। और समुद्र में भी कहाँ, बॉटम एरिया में रहते हैं। बॉटम एरिया में रहने वाले एनिमल को हम लोग बेंथोइक एनिमल बोलते हैं। तो समुद्र में भी ये किनारे में नहीं रहता, ठीक है, किनारे में आ जाता है बह के, वो अलग बात है, बट वो जाता है बॉटम एरिया में, ठीक है। तो स्टारफिश आप समुद्र के किनारे बहुत देखेंगे, लेकिन वो पानी से बह के आता है, ठीक है, जब उसको रहना होता है तो बॉटम एरिया में ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इकैनोडर्माटा के बारे में। दे वॉज एन इंडो स्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑस्किल, मतलब ऑस्किल वर्ड अगर आप बोलते हैं, ऑस्किल का मतलब होता है स्मॉलर बोन, इसलिए आप कान के बोन को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑस्किल। ईयर ऑस्किल मतलब कान में तीन छोटे छोटे बोन, मैलियस इनकस स्टेपस MIS। तो छोटे बोन को हम ऑस्किल ही बोलते हैं, चाहे उनका ग्रुप हो चाहे सिंगल बोन हो। तो उसी तरह से कहता है इकैनोडर्माटा में भी छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दे पॉजेस एन इंडो स्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑस्किल स्मॉल बोन्स, ठीक है। अब ये आप जानते ही हैं कि इसमें भी ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान होगा। ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहने का मतलब कि एक होगा क्या, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहने का मतलब कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा एलिमेंट्री किनाल एक स्मॉलर ट्यूब होगा और बड़ा ट्यूब क्या होगा, सिलोम, इसलिए बोलेंगे ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। और उस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो एंड होगा, माउथ और एनस। यहां पहले एनस डेवलप होता है, ये अभी तक नहीं हुआ था, अभी तक मोलस्का था, एनलिडा था, ऑर्थोपोडा था, उसमें क्या डेवलप हुआ था, पहले हुआ था माउथ डेवलप, तो उसको बोलते थे प्रोटोस्टोमिया, इसको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया, क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। और फर्दर जो हेमिकोडाटा और कोडाटा है उसमें भी क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। तो कहता है ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान विद ड्यूटेरोस्टोमिया कंडीशन, क्लियर है। उसके बाद कहता है ट्रू सिलोम कॉल्ड इंटेरोसिलोम, इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है और वो इंटैक्ट होता है। अगर स्प्लिटेड सिलोम हो तो उसको बोलते हैं सीजोसिलोम, अगर इंटैक्ट हो तो उसको बोलते हैं इंटेरोसिलोम, क्लियर है। मीजोडर्मल स्केलेटन मेडअप ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स एंड ऑस्किल्स, कहता है इंडो स्केलेटन तो आपने देखा ही, कहता है मीजोडर्म यानी मीजोडर्म के लेयर से बना हुआ भी यहाँ पे स्केलेटन पाया जाता है, यानी मीजोडर्मल स्केलेटन मेडअप ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स एंड ऑस्किल्स, ठीक है, छोटे छोटे बोन। एक्सक्लूसिवली मैराइन बॉटम ड्वेलर्स बेंथोस, यानी बॉटम पे ही ड्वेल करते रहता है, ठीक है। नो पैरासिटिक फॉर्म, इसमें कोई भी पैरासिटिक फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, दे आर ओनली फ्री लिविंग, ये सिर्फ फ्री लिविंग होगा, ठीक है, क्लियर, यानी कोई इसमें पैरासाइट है ही नहीं किसी होस्ट बॉडी के अंदर, फ्री लिविंग स्टाइल में रहता है एडल्ट। ये सबसे यूनिक बात है, और ये नीट में, ये आपको नीट में एनटीएससी में, ठीक है, नीट में एनटीएससी में, ठीक है, और
एम्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको दिमाग में रखिएगा। एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल, यानी प्लेटी एलिमेंट्री से लेके कॉर्डाटा तक सारे एनिमल जो होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बट यहाँ पे एडल्ट जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, लार्वा होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी इकैरोडर्माटा का जो लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसके लिए याद रखिएगा ईयर लोब, ईयर लोब देखिए, ईयर लोब जो है ईयर लोब, ठीक है, ईयर लोब, ठीक है, तो ई से इकैरोडर्माटा, ठीक है, इकैरोडर्माटा एडल्ट, ठीक है, एडल्ट रेडियल, ठीक है, और उसके बाद लार्वा, लार्वा, ठीक है, एडल्ट अगर रेडियल हो गया तो लार्वा क्या हो जाएगा, बायलैटरल, बाय। एक्चुअली पूरा जो है ये है ईयर लोब बड़ा होता है, ईयर लोब बिग, ईयर लोब इज बिग, ठीक है, तो बिग से क्या हो गया, बायलैटरल, ठीक है, ई से इकैरोडर्माटा, ए से एडल्ट, आर से रेडियल, एल से लार्वा, बी से बायलैटरल, यानी ये सिर्फ इकैरोडर्माटा में होता है, इसलिए इसका अध्ययन भी, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सारे प्लेटी एलिमेंट्रीज से लेके कॉर्डाटा तक सारे के सारे क्या थे, बायलैटरली सिमेट्रिकल, लेकिन यह उल्टा है, इसका एडल्ट फॉर्म है रेडियल और लार्वा फॉर्म है बायलैटरल, यानी बायलैटरल यहां भी है बट लार्वा है बायलैटरल, एडल्ट क्या है, रेडियल, ठीक है। अब आइए कहता मोलस्का की तरफ, देखिए मोलस्का फाइलम में भी बॉडी क्या था, अनसिगमेंटेड था, सिगमेंट बटा हुआ नहीं था, यहां भी बॉडी है अनसिगमेंटेड, यानी कि जस्ट लाइक मोलस्का द बॉडी ऑफ, द बॉडी ऑफ इकैरोडर्माटा इज ऑल्सो अनसिगमेंटेड, ठीक है। एडल्ट फॉर्म ऑफ इकैरोडर्म्स हैव पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ठीक है, आप जानते ही एडल्ट फॉर्म स्टारफिश को आप देखिएगा, पांच उसमें आर्म होंगे, स्टारफिश में कितने आर्म होंगे, पांच आर्म होंगे, इसलिए बोलते पेंटामेरस, पेंटामेरस आर्म होते हैं इसमें, ठीक है, तो एडल्ट फॉर्म ऑफ इकैरोडर्म्स हैव पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड अलोंग द फाइव एक्सिस, देखिएगा ऐसे करके निकला रहता है, आपने देखा भी होगा ऐसे करके, पांच आर्म होते हैं, ठीक है, ये निकला होता है इसको ट्यूब फिट बोलते हैं, तो बोलते हैं ट्यूब फिट, स्टार्टफिश में देखिएगा ये पांच आर्म निकले होते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूब फिट, ठीक है, ट्यूब फिट, फिट मतलब पैर के बराबर, कहने को ये ट्यूब फिट है, काम ये बहुत करता है, देखिएगा आप, ठीक है, हो गया। तो कहता है सम आर स्टार लाइक, सम आर स्टार लाइक स्टारफिश और ग्लोबुलर सी अर्चिन और सिलिंड्रिकल सी कुकुम्बर, देखिए यहाँ पे क्या है, स्टारफिश स्टार लाइक तो क्लियर ही हो गया आपका, ठीक है, सी से सिलिंड्रिकल, सी से सिलिंड्रिकल और सी से, ठीक है, कुकुम्बर, सी से सिलिंड्रिकल और सी से कुकुम्बर आप बोल सकते हैं आराम से, ठीक है, ये देखिए सी से कुकुम्बर और सी से सिलिंड्रिकल, और ये ग्लोबुलर जो है वो सिर्फ सी अर्चिन होगा, ग्लोबुलर, ठीक है। अब भाई कहता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी वीआईपी में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि याद कीजिए सिलिंड्रेटा में पाया जाता था गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, यहां पे पाया जाता है वाटर वैस्कुलर कैविटी, वाटर वैस्कुलर कैविटी इज नथिंग एक्चुअली इट इज मॉडिफाइड सिलोम, ठीक है, फिल्ड विद वाटर फ्लूइड, यानी वाटर वैस्कुलर कैविटी जो है एक्चुअल में क्या है, ठीक है, वो सिलोम का पार्ट है और उसमें वाटर भरा हुआ है, उसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकैरोडर्माटा में बहुत सारा काम करता है, उसमें पहला काम है लोकोमोशन, लोकोमोशन बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम, बॉडी मूव्ड बाय स्टेपिंग एक्शन ऑफ ट्यूब फिट, ठीक है, ट्यूब फिट के स्टेपिंग एक्शन से बॉडी मूव करता है, ठीक है, वो पकड़ता है स्टेप, ऐसे करके धरती को पकड़ेगा या मतलब पानी को पकड़ेगा, आगे बढ़ेगा, फिर पानी को ऐसे करके दबाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर कहता है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसी का काम है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और रिस्पायरेशन भी इसी का काम है, रिस्पायरेशन में
ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम गिल्स के बदले काम करता है, यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ट्यूब फिट, ठीक है, यानी कि रिस्पायरेशन में, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और लोकोमोशन में, तीनों में मदद करता है कौन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ यहीं पे पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है, एक्सक्लूसिव फीचर। इसलिए ये भी क्वेश्चन में आता है, वो भी क्वेश्चन में आता है, और एक ये भी क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके सारे मेंबर फ्री लिविंग है, पैरासिटिक एक भी नहीं, यही है। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार ड्यूटेरोस्टोमिया कंडीशन ओरिजिन हुआ है, यही मेम यही फाइलम है। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें स्किनी स्किन होता है, मतलब चमकीला, वो भी आप यही फाइलम बोलिएगा। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके सारे के सारे मेंबर एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यही फाइलम बोलना है और कोई नहीं बोलना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें हर्ट नहीं होते, यही है। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं होते, यही है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट किस फाइलम में नहीं होता, एक ये बताइएगा और एक ऑर्थ्रोपोडा बताइएगा। ऑर्थ्रोपोडा में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, यहाँ भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, यानी कॉकरोच में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, इकानोडर्माटा में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, यहाँ एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी एब्सेंट, बट यहाँ एक्सक्रेटरी सेल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अमीबॉइड सेल्स, क्लियर। तो मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सीरो कंसिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ कैनाल फिल्ड विद वाटर फ्लूइड, ठीक है। तो भाई अब छोटा छोटा है, कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बदले, सर्कुलेटरी सिस्टम के बदले यहाँ पे पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बदले यहाँ पे जो पाया जाता है वो हेमल एंड पेरी हेमल, ठीक है, सिस्टम पाया जाता है। हेमल यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बदले यहाँ पे क्या बोलिएगा, हेमल एंड पेरी हेमल सिस्टम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बदले हेमल एंड पेरी हेमल सिस्टम पाया जाता है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में ये क्या है, एक हेमल और पेरी हेमल सिस्टम जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बदले पाया जाता है वो एक्चुअली में सिलोमिक ऑरिजिन का होता है, यानी कि सिलोम जिसका बना होता है उसी का होता है, मेसोडर्म का होता है, ठीक है। इसका सर्कुलेटर सर्कुलेशन जैसा भी हो, हेमल और पेरी हेमल इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप नहीं होता, यहाँ इसका मतलब आर्टरी होगा, वेन होगा, कैपिलरी यह भी नहीं होगा, ठीक है। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। नो हर्ट, हर्ट भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो जो चीज आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे मुंह से जो मैं बोल रहा हूँ उसको पॉज करके देख के आपको लिखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायोसियस, यानी इसके एक ही एक बॉडी में एक ही सेक्स होता है, यानी इसका मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, वाटर में होता है इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और कहते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या, लार्वा के द्वारा डेवलपमेंट, अगर लार्वल स्टेज हो लाइफ साइकिल में तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वल स्टेज नहीं हो तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये बोलते हैं, क्लियर है पॉइंट। एग्जाम्पल, ठीक है, लार्वा का यानी कि लार्वा के थ्रू हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ठीक है, बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब विद लार्वा, तो बाइपिनेरिया ब्रैंकियोलेरिया, ये दोनों लार्वा को आप याद रखिए, क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल है एस्टेडियास, स्टारफिश, ठीक है, ऑफ्यूथरिक्स ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा उसको भी बोलते हैं ब्रिटल स्टार, इकिनस सी अर्चिन, होलोथूरिया सी कुकुम्बर, एंटीडोन फीदर स्टार और सी लिली, ओके। तो ये आपका एक शॉर्टेस्ट वीडियो था, ठीक है, इसके लिए इकानोडर्माटा, ठीक है, तो बस यही इसको आपको कवर करना है। तीन चीज मैंने याद रखना है, चार चीज, एक तो आपको एक्सक्लूसिवली मराइन, नो पैरासिटिक ग्रुप, ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और उसके बाद इसके बारे में एडल्ट इज रेडिली सिमेट्रिकल, लार्वा इज बायलैटरल, इसमें मेन बात यही है, क्लियर है पॉइंट। चलिए, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो के लिए तैयार।